नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हनुमान ध्वज हटाने का विवाद, सिद्धरामैया ने बीजेपी और जेडीएस पर चुनाव पर नजर रखने वाले लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। अजीत पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने की समय अवधि फिर बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। कृष्ण जन्मभूमि मामला, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक बढ़ाई। फरवरी से उत्तराखंड में लागू हो रहा है समान नागरिक संहिता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात बताई। फिर विवादों में आए बालमुकुंदाचार्य, सड़कों पर उतरी छात्राएं, थाने का किया घेराव। मुंबई कॉन्सर्ट में निक जोनस ने गाया हिंदी गाना, फैंस चिल्लाने लगे जीजू जीजू, निक ने दिया रिएक्शन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को विपक्षी बीजेपी और जेडीएस पर मांड्या के केरागोडू गांव में सरकारी अधिकारियों द्वारा 108 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर फहराए गए भगवा झंडे को हटाने के मुद्दे पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ये स्पष्ट करते हुए कि अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि अनुमति केवल राष्ट्रीय और कन्नड़ ध्वज फहराने के लिए ही ली गई थी। उन्होंने हिन्दू विरोधी कहने के लिए भाजपा पर भी पलटवार किया और कहा कि वो एक हिंदू हैं जो सभी धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं। केरागोडू में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन ध्वज स्तंभ पर फहराए गए भगवान हनुमान की छवि वाले भगवा झंडे को हटाने के बाद मजबूत विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के एक दिन बाद सोमवार को स्थिति नियंत्रण में है। मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को विशेषज्ञों से आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को लिखित में अपने विचार साझा करने की अपील की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी मांगों को मानने के बाद शनिवार को 40 वर्षीय मनोज जरांगे ने अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उन्हें अति पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला सभी लाभ मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों के रक्त संबंधियों को कुनबी की मान्यता देने के लिए एक अधिसूचना जारी की। जिनके पास कुनबी जाति के रिकॉर्ड पाए गए हैं उन सभी को कुनबी समुदाय का माना जाएगा। जरांगे सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र की मांग कर रहे थे। जरांगे ने 20 जनवरी को जालना जिले के अपने पैतृक गांव अंतरवाली सारथी से विरोध मार्च निकाला था। उन्होंने वाशी में अपना अनशन शुरू किया। हालांकि राज्य सरकार से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। सोमवार को अपने घर की तरफ प्रस्थान करने के दौरान जरांगे ने कहा कि मराठा कोटा के लिए कानून आने वाला है। अगले 15 दिनों में लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया है। मराठा कोटा के विशेषज्ञ अपनी राय लिखकर सरकार को भेज सकते हैं कि मराठा कानून को मजबूत बनाने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में अजीत पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने की डेडलाइन बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अब 15 फरवरी तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सबमिशन पर यह आदेश दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अप्रैल तक अंतरिम रोक बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल के पहले हिस्से में अब इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही शाही ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने हिंदू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। कोर्ट ने कहा था कि आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में दर्ज मानहानि केस खत्म करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी से बेहतर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिल हलफनामे में तेजस्वी को लिखना है कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और वे इसे वापस ले रहे हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते के बाद करेगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने गुजरातियों के बारे में की गई अपनी टिप्पणी वापस ले ली है। तेजस्वी यादव ने यह हलफनामा उस ट्रांसफर याचिका में दायर किया है जिसमें उन्होंने गुजराती ही ठग पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को अहमदाबाद से किसी तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। We'll be right back.
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर ईडी की टीम आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर भी पहुंची है। इस मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने नौकरी के बदले गरीबों से जमीन लेने का जो काम किया है उसकी जांच तो होगी ही। नित्यानंद राय ने सवाल करते हुए कहा कि चारा घोटाले की फाइल बीजेपी ने नहीं खोली थी, जब ये आरोप लगे तब कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें थी। ऐसे में बीजेपी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गलत है। ईडी एक स्वतंत्र इकाई है और वो अपना काम कर रही है। उत्तराखंड भारत का पहला देश बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 फरवरी को कमेटी अपना ड्राफ्ट सौंपेगी और विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार इसे लागू करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ड्राफ्ट मिलते ही इस पर विधेयक लाकर उसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। राजधानी जयपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली सैकड़ों मुस्लिम छात्राओं ने सुभाष चौक थाने पर पहुंचकर हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। थाने के सामने प्रदर्शन कर रही छात्राएं स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गंगापुल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचारी को बुलाया गया था, लेकिन एनुअल फंक्शन में लगवाए गए धार्मिक नारे, छात्रों का कहना है कि एनुअल फंक्शन के दौरान स्थानीय विधायक द्वारा लगाए गए धार्मिक नारे उचित नहीं है। गौरतलब है हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य कई बार पहले भी विवादों से जुड़े रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की जीत के बाद जयपुर में मीट की दुकानों को हटवाने को लेकर एक अधिकारी को फोन पर चेतावनी देने का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राजधानी भोपाल में कुत्ते के काटने से बच्चे की हुई मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जिस जगह पर कुत्ते ने बच्चे को काटा था, उमा भारती ने रविवार रात को इस जगह का दौरा किया जहां उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास कई करोड़पति लोग हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए यहां कुछ हजार खर्च नहीं किए गए, जिसके चलते कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही पूर्व सीएम उमा भारती मृतक बच्चे के परिजनों से भी मिली। इस दौरान उन्होंने परिजनों से बार बार माफी मांगी। उमा भारती ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना के समय में कुछ लोगों के कुत्ते हवाई जहाज से भेजे गए थे, आज जिंदा बच्चों को कुत्ते ने खा लिया। उमा भारती ने कहा कि बच्चे की मौत का हत्यारा कंस्ट्रक्शन साइट का मैनेजमेंट ही है। दिल्ली पुलिस के वजीराबाद स्थित मालखाना में सोमवार तड़के भीषण आग लगने की खबर सामने आई। इस आग लगने के कारण भारी नुकसान हो गया। इस आग में कम से कम 450 वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि मालखाना वो स्थान है जहां जब्त किए गए वाहनों को रखा जाता है। दिल्ली अग्निशमन सेवा डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि आग तड़के 4 बजे लगी। 5 दमकल गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन लगभग 2 घंटे तक चला, तब तक कहीं जाकर सुबह 6 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका। यहां रुक रेकॉर्ड छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। इस साल का 69वां फिल्म फेयर अवार्ड गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के कई जाने माने सितारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई सेलिब्रिटीज की शानदार डांस परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। वहीं मशहूर फिल्म निर्माता डेविड धवन को रविवार को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कॉमेडी की शैली में डेविड धवन सबसे सफल बॉलीवुड निर्देशकों में से एक है। अपने 43 साल से अधिक के करियर में निर्देशक ने कई सफल अभिनेताओं के साथ काम किया। डेविड धवन अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और कई अन्य सितारों के साथ काम कर चुके हैं। निक जॉनस देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पति हैं। ऐसे में देसी फैंस उन्हें जीजू कहकर बुलाते हैं और हाल ही में हुए एक म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान तो कुछ ऐसा हुआ जिससे वो खुद भी हैरान रह गए। द जॉनस ब्रदर्स ने मुंबई में लोला पालूजा म्यूजिक फेस्टिवल में दमदार परफॉर्मेंस से हर किसी को इम्प्रेस किया और महफिल जमा दी। निक ने इस दौरान फैंस को एक सरप्राइज भी दिया और उन्होंने मान मेरी जान सॉन्ग गाया तो सामने मौजूद ऑडियंस जीजू जीजू कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। निक जॉनस, केविन जॉनस और जो जॉनस ने लोला पालूजा म्यूजिक फेस्टिवल के पहले दिन अपनी परफॉर्मेंस दी। इंडिया के अपने पहले कॉन्सर्ट में डेब्यू के साथ ही वो छा गए और देसी फैंस ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। निक ने अपने भाइयों के साथ अपने हिट सॉन्ग गाए और इसके बाद उन्होंने तू मान मेरी जान भी गाया जिस पर पब्लिक झूमने लग गई। निक के मुंह से हिंदी गाना सुन सामने मौजूद ऑडियंस गदगद हो गई और जीजू जीजू कहकर चिल्लाने लगी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हनुमान ध्वज हटाने का विवाद, सिद्धरामैया ने बीजेपी और जेडीएस पर चुनाव पर नजर रखने वाले लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। अजीत पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने की समय अवधि फिर बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। कृष्ण जन्मभूमि मामला, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक बढ़ाई। फरवरी से उत्तराखंड में लागू हो रहा है समान नागरिक संहिता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात बताई। फिर विवादों में आए बालमुकुंदाचार्य, सड़कों पर उतरी छात्राएं, थाने का किया घेराव। मुंबई कॉन्सर्ट में निक जॉनस ने गाया हिंदी गाना, फैंस चिल्लाने लगे जीजू जीजू, निक ने दिया रिएक्शन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।